दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम दूसरे टेस्ट मैच में जीत दर्ज करे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को दी धमकी, तो भारतीय खिलाड़ियों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। दोनों के बीच मैदान से पहले शुरू हो गई जुबानी जंग। जी हाँ दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले टेस्ट में भारतीय टीम को जीत मिल गई है। ऐसे में अब दूसरे टेस्ट मैच के शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को धमकाया है, तो वहीं पलटवार करते हुए भारतीय खिलाड़ियों ने एक ऐसा मुंहतोड़ जवाब जारी कर दिया है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आखिरकार ऑस्ट्रेलिया और भारतीय खिलाड़ियों के बीच में मैच से पहले किस तरीके की जुबानी जंग देखने को मिली है, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में से किस टीम को फाइनल में जगह मिल सकती है? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैच की बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। इसके पहले मैच के अंदर भारतीय टीम ने बेहतर तरीके से प्रदर्शन करने के साथ सभी को प्रभावित किया और 295 रन से जीत दर्ज की। ऐसे में अब दूसरा मैच एडिलेड के मैदान पर खेला जाने वाला है, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम जीत दर्ज करने के साथ पिछली बार 36 रन पर ऑल आउट होने की शर्मनाक रिकॉर्ड को भूलने के लिए बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। ऐसे में अब 6 दिसंबर से शुरू होने वाले दूसरे मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को धमकाया है, तो वही भारतीय खिलाड़ियों ने पलटवार कर मुंहतोड़ जवाब जारी करते हुए मैदान से पहले जुबानी जंग भी जीत ली है। इसमें ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरे टेस्ट मैच को जीतने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हमारी टीम के पास में काफी ज्यादा जबरदस्त खिलाड़ी मौजूद हैं जो अपने प्रदर्शन के जरिए आसानी से विरोधी टीम को परेशान करते हुए अब दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को दुनिया की सबसे मजबूत टीम माना जाता है, और सिर्फ माना ही नहीं जाता बल्कि ऑस्ट्रेलिया की टीम दुनिया की सबसे मजबूत टीम भी है। ऐसे में आप किस प्रकार से हमारी टीम को हराने के बारे में सोच सकते हैं? एक मैच के अंदर हमारी टीम का खराब प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन सभी मैच में तो हमारी टीम का खराब प्रदर्शन करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। वहीं मिशेल स्टार्क ने बयान देते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास में काफी ज्यादा जबरदस्त खिलाड़ी मौजूद हैं जो अपने प्रदर्शन के जरिए विरोधी टीम को परेशान करना चाहते हैं। हमारी टीम के खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन तो देखने को नहीं मिला, लेकिन हमारी टीम दूसरे मैच में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि हमारी टीम दूसरे मैच में एक ऐसा प्रदर्शन करने वाली है जिसके बारे में शायद भारतीय टीम कभी सोच भी ना सके, क्योंकि यह वही मैदान है जहां पर भारत ने शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम किया था। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि इस मैदान पर भारत पिछले 36 रन पर पिछली बार आउट हुआ था, लेकिन इस बार उन्होंने 32 रन पर आउट जरूर करेंगे। तो वहीं विराट कोहली ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए जरूर जारी कर दिया और उन्होंने कहा कि इस बार हमारी टीम काफी ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी मौजूद वाली टीम है। पहले मैच में बेशक खिलाड़ियों की कमी थी, लेकिन हमने ऑस्ट्रेलिया की टीम को उसकी असली औकात दिखाई थी। ऐसे में हम उससे भी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करने के लिए दूसरे मैच में अब तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि हमारी टीम के पास में कुछ ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो अब आसानी से विरोधी टीम को परेशान करते हुए दिखने वाले हैं। हालांकि इस मैदान पर हमारी टीम के साथ में काफी ज्यादा यादें जुड़ी हुई हैं। हमने इस मैदान पर काफी खराब प्रदर्शन कर 36 रन पर ऑल आउट होने का शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम किया था। ऐसे में अब उस रिकॉर्ड को भूलकर हम नया रिकॉर्ड बनाने को उतरेंगे। तो वहीं ऋषभ पंत ने बयान देते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास में काफी ज्यादा बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं जो अपने तूफानी प्रदर्शन के जरिए विरोधी टीम को परेशान करते हुए दिखने वाले हैं। हालांकि पहले मैच में हमारी टीम ने कंगारू टीम के खिलाफ शानदार तरीके से बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हुए मैच को अपने नाम किया था। ऐसे में अब हम दूसरे मैच में भी जीत दर्ज करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि हमारी टीम का इस मैदान पर रिकॉर्ड काफी ज्यादा खराब है, लेकिन इस रिकॉर्ड को पूरी तरीके से भूलने के लिए हमें एक बेहतरीन रिकॉर्ड इस मैदान पर बनाना होगा और अब हम दूसरे मैच में शानदार प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, क्योंकि हम कंगारू टीम को फिर से बेइज्जत करेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम को दूसरे टेस्ट मैच के अंदर जीत मिल सकती है या फिर नहीं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप भी आरसीबी की इस नई टीम को चैंपियन बनता हुआ देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2025 के लिए आरसीबी की टीम ने छोड़ा ग्लेन मैक्सवेल, बिल जेक्स, फ्लाफ डुप्लेसिस और मोहम्मद सिराज जैसे महान खिलाड़ियों को, तो एक बार फिर से उड़ा आरसीबी की टीम का मजाक। लेकिन फिर खुद कोहली ने आगे आकर इन खिलाड़ियों को बाहर करने की मुख्य वजह बताकर सभी को हैरान कर दिया। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, आईपीएल 2025 के लिए आरसीबी पूरी तरीके से बदल चुकी है। ऐसे में पूरी नई आरसीबी की टीम बनने के बाद विराट कोहली ने दिग्गज खिलाड़ियों को बाहर करने का खुलासा कर दिया और एक ऐसा बयान जारी कर दिया है जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार विराट कोहली ने आईपीएल की नीलामी के समापन के बाद अपनी टीम को लेकर क्या कुछ कहा है, ये तो आपको बताएंगे ही, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, आरसीबी की ये नई टीम आईपीएल में चैंपियन बन सकती है या फिर नहीं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आईपीएल 2025 की नीलामी अब समाप्त हो चुकी है, जहां पर सभी टीमों ने अपनी टीम को मजबूत कर लिया है। इस दौरान आईपीएल में अगर किसी टीम ने सबसे ज्यादा सभी को हैरान किया है तो वो आरसीबी की टीम रही है। आरसीबी की टीम ने ग्लेन मैक्सवेल, फाफ डुप्लेसिस, फिल जेक्स और मोहम्मद सिराज जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल नहीं किया है। इसके अलावा नीलामी में मिशेल स्टार्क और केएल राहुल जैसे खिलाड़ियों को भी टीम में शामिल करने का प्रयास, लेकिन इसके बावजूद बेंगलुरु की टीम मजबूत दिखाई दे रही है। ऐसे में अब
आईपीएल की नीलामी के समापन के बाद खुद विराट कोहली ने आगे आकर अपनी टीम में दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल न करने की मुख्य वजह बताने के साथ बड़ा बयान अब जारी कर दिया है। इस दौरान विराट कोहली ने बयान देते हुए कहा है कि आईपीएल में बेंगलुरु की टीम मेरे दिल के काफी ज्यादा करीब है। मैं चाहता हूं कि मेरी बेंगलुरु की टीम को किसी भी कीमत पर आईपीएल में चैंपियन बनने का मौका मिले। हालांकि इस बार बड़ी नीलामी थी और मैं चाहता था कि हमारी टीम पूरी तरीके के साथ मजबूत बनकर मैदान पर उतरे, और इसी वजह से बड़ी नीलामी से पहले मैं बड़ा बयान भी दिया जिसमें मैंने पहले ही कह दिया था कि इन 3 साल के अंदर कम से कम एक बार तो हमारी टीम को चैंपियन बनना पड़ेगा और इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन जब तक आपकी पूरी टीम बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएगी तब तक आप चैंपियन नहीं बन पाएंगे। ऐसे में हमारी टीम को मजबूत करने के लिए सभी खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करना पड़ेगा, लेकिन हमारी टीम का रिकॉर्ड है कि सभी खिलाड़ी कभी भी एक साथ मिलकर बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई नहीं दिए हैं और इसी वजह से हमारी टीम बाकी टीमों के मुकाबले असफल रही है। इसके अलावा उन्होंने अंत में बयान देते हुए कहा कि आईपीएल जीतने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा बेताब हूँ क्योंकि आरसीबी की टीम के प्रति मेरा ही नहीं बल्कि करोड़ों देशवासियों का इमोशन है। ऐसे में हमें उनके इमोशन की कदर करनी पड़ेगी और चैंपियन बनना पड़ेगा, और इसी वजह से मैंने अपनी टीम को पूरी तरीके से रीडेवलप करने का फैसला कर लिया है। मैंने पहले ही इस टीम के कोच एंडी फ्लावर और बैटिंग कोच दिनेश कार्तिक से कह दिया था कि ग्लेन मैक्सवेल, फाफ डु प्लेसिस और विल जेक्स जैसे खिलाड़ियों को टीम से बाहर करके नए खिलाड़ियों को शामिल किया जाए। इतना ही नहीं, मेरा सबसे पसंदीदा खिलाड़ी मोहम्मद सिराज भी टीम के अंदर शामिल नहीं होना चाहिए क्योंकि इन सभी खिलाड़ियों ने मिलकर भी बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है। ऐसे में इन खिलाड़ियों को हम छोड़ देंगे तो भी हमें कोई नुकसान नहीं होगा और अब हमें नई आरसीबी की टीम बनानी होगी क्योंकि मुझे किसी भी कीमत पर इन 3 साल के अंदर चैंपियन बनना ही। दोस्तों आपको क्या लगता है, आईपीएल 2025 में आरसीबी की टीम पहली बार चैंपियन बनती हुई दिखाई दे सकती है या फिर नहीं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो अगर आप भी आरसीबी की टीम के इस नए बदलाव से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आरसीबी की टीम ने मोहम्मद सिराज को नीलामी में किया इग्नोर तो मोहम्मद सिराज का टूट गया दिल। गुजरात की टीम में शामिल होने के बाद विराट कोहली आरसीबी की टीम को याद करते हुए दे दिया इमोशनल बयान। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2025 की नीलामी अब समाप्त हो चुकी है जहां पर मोहम्मद सिराज को नीलामी में बेंगलुरु की टीम ने नहीं खरीदा है, जिसके बाद में मोहम्मद सिराज काफी ज्यादा भावुक हो गए हैं और उन्होंने अब विराट कोहली के साथ आरसीबी की टीम को लेकर एक ऐसा इमोशनल बयान जारी कर दिया है जिसे सुनकर आपके भी आंसू निकल आएंगे। तो आखिरकार मोहम्मद सिराज ने आरसीबी की टीम से बाहर हो जाने के बाद विराट कोहली को लेकर क्या कुछ कहा है ये तो आपको बताएंगे ही, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, आरसीबी की टीम का मैक्सवेल, जैक्स और सिराज को छोड़ने का फैसला इस आईपीएल में उन्हें ना खरीदने का फैसला सही जाएगा या फिर नहीं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, आईपीएल 2025 के लिए मेगा नीलामी अब समाप्त हो चुकी है जहां पर सभी आईपीएल फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम को मजबूत कर लिया है। इस दौरान कई फ्रेंचाइजी ने अपने दिग्गज खिलाड़ियों को भी बाहर कर दिया है तो वहीं कुछ फ्रेंचाइजी ने कुछ खिलाड़ियों पर भरोसा जताते हुए वापस अपनी टीम में शामिल किया है। लेकिन इस बीच बेंगलुरु की टीम ने सभी को हैरान कर दिया जहां पर बेंगलुरु की टीम ने ग्लेन मैक्सवेल, फाफ डु प्लेसिस और विल जेक्स को तो बाहर किया ही, लेकिन जब उन्होंने मोहम्मद सिराज को भी अपनी टीम में शामिल नहीं किया तो हर किसी के होश उड़ गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मोहम्मद सिराज को गुजरात टाइटंस की टीम ने शामिल कर लिया है जहां पर मोहम्मद सिराज को मात्र 12.25 करोड़ रुपए के अंदर बेंगलुरु की टीम ने बिना आरटीएम का यूज करे गुजरात की टीम के अंदर जाने दिया। ऐसे में अब मोहम्मद सिराज का आरसीबी की टीम से बाहर हो जाने के बाद अब इमोशनल बयान सामने आया है जिसमें मोहम्मद सिराज ने बयान देते हुए कहा कि आरसीबी की टीम ने मुझको बाहर करने के साथ काफी ज्यादा गलत किया है। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं आरसीबी की टीम में एक बार फिर से खेलूंगा क्योंकि जब से मैं आईपीएल के अंदर एंट्री कर पाया हूं तब से मुझे आरसीबी की टीम ने शामिल करने के साथ मेरा उनके ऊपर पूरा भरोसा दिखाया, परंतु इस बार पता नहीं आरसीबी की टीम ने मुझे क्यों छोड़ दिया है। हालांकि मेरा और विराट कोहली की जोड़ी काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करती है। मैं हमेशा से विराट कोहली की तरह बेहतर प्रदर्शन करना चाहता था और मैं अपनी बेंगलुरु की टीम के लिए 120% देता हुआ भी दिखाई दिया हूं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आरसीबी की टीम ने अब मुझे शामिल नहीं किया है। मुझे इस बार विराट कोहली के ऊपर पूरा भरोसा था कि वो मुझे आरसीबी की टीम के अंदर एक बार फिर से शामिल कर लेंगे क्योंकि इस बार की कप्तानी की जिम्मेदारी उनके पास रहने वाली है, लेकिन ये सिर्फ मेरे जहन में एकमात्र वहम था। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि विराट कोहली टीम के कप्तान है और विराट भैया ने मुझे जितना ज़्यादा सपोर्ट किया है शायद उतना किसी भी टीम के किसी भी खिलाड़ी को सपोर्ट नहीं किया होगा, लेकिन पता नहीं अचानक से विराट कोहली के होने के बावजूद मुझे टीम के अंदर शामिल क्यों नहीं किया गया है। हालांकि मैं तो एक खिलाड़ी हूं, अगर एक टीम के अंदर नहीं खेलूंगा तो दूसरी टीम में मुझे खेलने का मौका मिलेगा और मैं दूसरी टीम की तरफ से बेहतर प्रदर्शन करूंगा, लेकिन किसी एक टीम के प्रति आपके इमोशंस होते हैं और मेरे इमोशंस बेंगलुरु की टीम के साथ हैं, लेकिन बेंगलुरु की टीम ने मुझे शामिल ना करके मेरा दिल दुखाया है। इसके अलावा उन्होंने अंत में बयान देते हुए कहा कि आरसीबी की टीम के पास में काफी ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी मौजूद हैं। विराट भैया से मेरा अनुरोध है कि मुझे किसी भी तरीके से बेंगलुरु की टीम में शामिल करें क्योंकि मैं चाहता हूं कि बेंगलुरु की टीम पहली बार चैंपियन बने तो मैं उनके पास रहूं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आरसीबी की टीम ने मोहम्मद सिराज को छोड़कर सही किया या फिर गलत? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों अगर आप भी रोहित कोहली और महेंद्र सिंह धोनी को आईपीएल का सबसे खतरनाक
खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। एक तरफ जहां कुछ खिलाड़ियों पर आईपीएल फ्रेंचाइजियों पर अपनी पूरी रकम कुर्बान कर दी, तो वहीं कुछ बदनसीब प्लेयर्स को एक भी खरीदार नहीं मिल पाया है, जिसे आईपीएल 2025 में निराशा हाथ लगी है। तो आखिरकार इस लिस्ट में कौन कौन से हैं वह दिग्गज खिलाड़ी जिसको किसी भी टीम ने नहीं खरीदा है? भारत से लेकर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी अब आईपीएल में खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे, तो आखिर कौन कौन है वह खिलाड़ी? पूरी लिस्ट के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, आईपीएल 2025 में कौन सी टीम सबसे मजबूत है? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों, जिसका करोड़ों देशवासियों को कई दिनों से इंतजार था। वह दिन आ गया है जहां पर आईपीएल 2025 की नीलामी सऊदी अरब के जेद्दाह शहर में हो चुकी है। इस दौरान आईपीएल की बड़ी नीलामी में कई दिग्गज खिलाड़ी